हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज ब्लॉग होने वाला है मेरा होम टूर। तो ये मेरे सपनों का घर है जो मैंने ये बहुत ही मेहनत और लगन से तैयार किया है और बहुत ही हार्ड वर्क किया है इसके ऊपर मैंने। अभी फ़िलहाल फिर भी अभी प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट है, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा। अभी तो काम चला हुआ है लकड़ी का, तो आप लोगों को पता ही जैसे मैं घर में रखा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अंदर के दृश्य अपनी जो सेटअप है उसके दिखाऊंगा। अभी तक सेटअप तो कुछ ज़्यादा किया खास किया नहीं है, पर जितना भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब तक कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर अलग से करेंगे, पता नहीं तब तक मैं यहाँ पर रहूँगा ना रहूँ तो छुट्टी पूरी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा मैं अपने घर की झलक जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ। तो गाइस, अभी लकड़ी का काम चला जैसे मैंने आपको बताया। चलो अभी अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ कैसा सेटअप है, क्या है। वेलकम टू माय होम। तो ये मेरा घर जो मैंने अभी तक खाली है, ज़्यादा कुछ डाला नहीं है अभी तक, लकड़ी काम चल रहा है, उसके बाद इसको भरेंगे अच्छी तरीके से। और ये हमारा रूम जो बैठक बोल सकते हैं या लिविंग एरिया बोल सकते हैं। और ये अपना सेटअप है, ये अपना सेटअप है टीवी का। और बताएं आप लोगों को कैसा लगा। और ये हमारी रसोई है, तो ये हमारी रसोई है, यहाँ पे हमारा बनेगा डाइनिंग मॉडल किचन। ये हमारा मॉडल किचन बनेगा और ये हमारी माता श्री चाय लेके जा रही है मिस्त्रियों के लिए। और ये हमारा चूल्हे वाला किचन है, इसमें हम खाना पकाते हैं यहाँ पे बैठ कर। ठीक है, और इस तरफ से हमारा बैक साइड का व्यू है। तो यहाँ पे हमारी जो है ऑनियन गार्लिक जो हमारी नर्सरी है उसी को हम तैयार करते हैं ऑर्गेनिक, तो बाहर का हम कम ही खाते हैं। ठीक है, अब चलें और आप बताएं कैसा लगा सेटअप। ये मैंने डिजाइन किया खुद ही, आर्किटेक्ट किया मैंने इसको। तो अभी इसका भी पूरा प्लानिंग चल रहा है। ओके, और अभी हमारा मेरा ड्रीम बाथरूम है, ये मैंने खुद ही डिजाइन किया हुआ है। तो इसका सारा सिस्टम पूरा आप देख सकते हैं। और ये हमारा टच सनग्ला, ये है क्या बोलते हैं गला, मिरर है ये हमारा। और ये हमारे जो डिजाइनिंग है मैंने पूरी मैंने सेटअप किया है सारा। तो आप लोग बताएं कि कैसा है सिस्टम है सारा इसका लगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। सो अभी हम बाहर चलते हैं अभी हम आपको। और ये हमारा एक और रूम है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी आप देखते हैं खाली खाली ये सारा लग रहा है घर पूरा। अब इसको भरेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, अभी जाएंगे हम सामान लाने तो पूरा इसको भर देंगे। और ये भी हमारा एक रूम है फिलहाल, ये है खाली है। और ऐसा है बस हमारा घर, आप लोगों को दिखा दिया है। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग रूम जहाँ पे हम ड्रेसिंग अपना सारा करते हैं, कंगी कुंगी सारा ये, और हमारी अलमीराएं। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल इतना ही कर पाया हूँ और कंटिन्यू करते रहेंगे, कुछ अपडेट आएंगे कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। तो अभी मेरा प्लान है यहाँ पे और ये हमारा टेंपल है, मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करते हैं। तो ये हमारे भगवान जी हैं जहाँ से हम आशीर्वाद मिलता है, इन्हीं की बदौलत हमारा घर जो है वो इतना सुंदर और इतना अच्छा महल की तरह बना हुआ है। बहुत ही अब लोग जो मेरे को जानते हैं उनको पता ही है कि कितना हार्ड वर्क किया है मैंने और कितना ज़्यादा ये है। और ये भी अभी तक ऐसे ही है, रूम्स खाली हैं, तो ये भी अभी अंडर प्रोसेस है, पूरा कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहा है सारा काम धंधा।
ठीक है जी, अभी और कोई चीज रह गई हो तो? और ये स्टेयरकेस है, ये मैंने पहले ये जो थे ऐसे स्टैंड थे, ऐसे कुछ ऐसे अच्छे बने रहे, तो मैंने ये दीवार पूरी तोड़वाई पीछे की, और अब ये देखो कितनी अच्छी मोल्डिंग वाली सीढ़ियां बनवाई हैं दोबारा तोड़वा के। ये दीवार पीछे की है। अभी इधर मेरा प्लान है, इधर लाइटें लगेंगी अप डाउन, उधर रखें स्विच और इधर रखें स्विच, अप डाउन लाइटें लगेंगी, और इधर लैंड डलेगा ऊपर दूसरी मंजिल, ऊपर से झूमर लगेगा, और ये बहुत सारा है, तो कंप्लीट हो जाता लगेगा आपके ऊपर तो। और ये हमारा ऊपर से घर का व्यू है, मैंगो के पेड़, मैंगो के बगीचे, और ये सामने हमारी जो है, ये सामने हमारी जो है वो बंगाना ऊना की धार पड़ती है, और इस तरफ हमीरपुर की पड़ती है, दूसरी तरफ यहाँ पे मौसमी फ्रूट लगेगा यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के थ्रू देखो तारबंदी की हुई है पूरा ये इलाका पूरा। और हमारे शुगर कैन के पेड़, ये हमारी टंकियाँ हैं पानी की बड़ी बड़ी, ये है प्लम का ट्री, और ये है प्लम का ट्री, बहुत सारे लगते हैं इसमें भर। हाँ, ये और दूसरा, दोनों में बहुत सारे प्लम लगते हैं। ठीक है जी, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग और ये सारा हमारा अच्छा लगा होगा। ये हमने गोदाम बनाया हुआ है ऐसे फिलहाल के लिए, चलो फिर नीचे चलते हैं। और हमारे मिस्त्री अकेले आए, एक ने बंक निकाल दिया है, एक मिस्त्री नहीं आया हमारे। आपके मिस्त्री वैसे करते हैं तो बताना होगा अभी पर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा, कारागरी का काम करते हैं ये, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मिस्त्री लटकाते बहुत है। और हमारा ये भी सेकंड बाथरूम जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है जी। और ये हमारी गार्डनिंग, और ये मेरे गमले जो मैं फॉरेन से लेके आया हूँ, 900 गमले नहीं लेके आया आप, जो सीड्स लेके आया 900 के बीच, इसका टोमेटो लगेगा, इतना बड़ा टोमेटो लगेगा, और चेरी टोमेटो है, और हर्ब्स है, ऑर्गेनिक है, ओरिगानो है, पार्सले है, थाइम है, बेसिल है, सभी यहाँ पे मैंने लगाए हैं। अभी देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट आता है, फिलहाल मेरे को लग रहा है कि निकल पड़े हैं कुछ, बोलते हैं उंगली नहीं करनी इनको, सड़ जाते हैं, तो उंगली नहीं करूँगा इनको मैं, ठीक है जी। और मैंने भी लगाए हैं इनको, मत ऐसे करो। हाँ सॉरी, मैं देखे नहीं, आप अपने पौधों की केयर करते हो बस दूसरों के। और अब ये बैक साइड हमारे घर की, हमारे घर की राउंड अप ले लेते हैं घर का राउंड। आपको मैंने वैसे मेरे को लगा राउंड एक दिया भी होगा पीछे से पूरा, ये ऑनियन लगाया हुआ है हमने, और साइड साइड में कोरिएंडर, ये जो बीड़ों में साइड में कोरिएंडर है ये, ठीक है। और हमारे जल्लो ने इधर लकड़ियां पूरी उधर से लाके फेंक दी हैं, ये शिनोई युगु का काम है, ठीक है जी। तो आप लोग ये है आग जलाने के लिए लकड़ियां रखी हुई हैं, हां चूल्हे के जलाने के लिए। और आप लोग जरूर बताएं, कि हमारा ड्रीम हाउस जो मैंने इतनी हार्ड वर्किंग, पेशेंस,
एफर्ट, इमोशन सब कुछ इसी के अंदर डाले हुए मैंने। तो कैसा लगा अभी? और इसको मैंने ऐसे बताया कि अपडेट करने की सोच रहा हूँ कुछ न कुछ इसके अंदर, यू नो मॉडिफाई और लाइक यू नो यूनिकनेस थोड़ा इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और हमारे आगे पूरा खुला है सारा, और ग्रीनरी बहुत अच्छी है, फ्रेश इन्वायरमेंट जीरो। और हमारे आयु जी हैं, आयु फुल्लू। इसी ब्लॉग को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और आप लोग जरूर बताएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा हमारा घर और हमारा होम टूर। आप लोगों को आई होप सो कि अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वॉच कंटिन्यू एंड सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप लोगों को हमारी जो भी आगे हमारा ब्लॉग होता है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच। ओके, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।